अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टमी विद नाज़िया। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज रमदान स्पेशल रेसिपी है जिसका नाम है चिकन पोटैटो स्टिक। बहुत ही मज़ेदार यमी डिलिशियस रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं कि रेसिपी कैसी बनती है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। फ्रेंड्स, तो चिकन पोटैटो स्टिक के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ पोटैटो, बॉल पोटैटो है, एक बिग है और एक मैंने बिग का हाफ लिया है, मीन्स डेढ़ पोटैटो है ये। अगर आप छोटे पोटैटो लेंगे तो अराउंड मीडियम साइज़ के 4 पोटैटो लगेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स यही रहेंगे। ये बिग है इसलिए मैं इसको 1.5 पोटैटो ले रही हूँ। इसको मैश कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने पोटैटो को अच्छे से मैश कर लिया। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने हिसाब से आप इसको ऐड कर लें। मैं अनियन नेक्स्ट ले रही हूँ, ब्लैक पेपर 1.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और चिकन मसाला 1 टीस्पून। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 मीडियम साइज अनियन चॉप्ड, कोरिएंडर लीफ चॉप्ड, ग्रीन चिली अपने हिसाब से आप ऐड कर ले, मैंने 2 स्मॉल ग्रीन चिली लिए क्योंकि रेड चिली भी है। यहाँ पर मैंने लिया है कैप्सिकम 2 टेबलस्पून, ये मैंने स्प्रिंग अनियन के मैंने ग्रीन पार्ट लिए हैं, ये भी 2 टेबलस्पून, ये ऑप्शनल है। और 1 एग, बॉयल्ड एग है, मैंने उसे भी चॉप कर लिया है। और नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ बॉयल्ड चिकन, श्रेडेड बॉयल्ड चिकन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मोज़रेला चीज़ 1/2 कप, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और चिकन मैंने 1 कप लिया था। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक लास्ट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, ये मिक्सचर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ आइसक्रीम स्टिक्स लिए हैं जिसे मैंने 5 मिनट पानी में भिगो के रखा है, अब इसको मैं रेडी करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक छोटा सा पोर्शन लूँगी ऐसे हाथ में अपने, और इस स्टिक को ऐसे यहाँ रख के ऐसे सारे स्टिक में रेडी कर लूंगी। तो मैं सारी स्टिक रेडी करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ स्टिक्स रेडी किए हैं, तो अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 एग्स और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट अराउंड 1/4 टीस्पून। उसको अच्छे से बीट कर लेंगे, इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर ले रही हूँ और 1 कप ब्रेड क्रम है और 2 एग को मैंने बीट करके रखा है, तो बस इसमें डिप करना है। आप ये अपने हिसाब से ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 कप, आपको जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए आप उतना यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 1 कप लिया है और मैं इस तरह स्टिक को ऐसे फ्लावर में पहले मैं डिप करूँगी रोल करके, फिर मैं एग में डिप करूँगी
और फिर ब्रेड क्रम पे। और ऐसे आप स्टिक बना के आप डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं, आपको जब चाहिए तब आप निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टिक रेडी कर लें। फ्रेंड्स, मैंने कुछ स्टिक्स रेडी किए हैं, आप चाहे तो आप इसे डीप फ्रीज कर सकते हैं। आप जैसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर लेके उसमें आप रखें और डीप फ्रीज़र में डाल दें ताकि आप बाद में भी यूज़ कर सकें। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं और अभी जितनी ज़रूरत है आप उतनी कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। आप डीप फ्रीज़र में ऐसे पैक करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कढ़ाई में ऑयल ले रही हूँ डीप फ्राई के लिए। ऑयल को हीट होने देते हैं पहले। फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल हीट हो गई है, मैं एक स्टिक डाल के देखती हूँ। हाँ, तो ऐसे हम इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड, 3 से 4 मिनट हम एक साइड पहले फ्राई करेंगे, अभी इसको बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे। जैसे 2-3 मिनट हो जाएगा तब हम फ्लिप करेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए एक साइड से ब्राउन हो गई है, मैंने फ्लिप कर दिया। बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे स्टिक्स जो है वो अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं सारे स्टिक्स को फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, चिकन पोटैटो स्टिक रेडी है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है और आप इसे सर्व कर सकते हैं सॉस के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।